एशिया के लोगों के साथ। और आपको बता दें बीते आधे घंटे में हमने चाइना के मुद्दे पर लोगों की राय जानी और साथ ही प्रवक्ताओं के बयान सुने, लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जिसके खिलाफ चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखते थे, सबक सिखाने की बात, और सबक सिखाए भी सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन मोदी के बीते 4 सालों में पाकिस्तान पर किस तरह की स्थिति रही है वो आपको बताते हैं। चीन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता रहा है, इसीलिए पाकिस्तान पर इस वक्त हम बहस कर रहे हैं। 2 दिन बिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से हिंदुस्तान लौटे। पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री को चीनी फंडिंग के आरोप भी लगे हैं। ये बेहद गंभीर ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि में चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। चीन दोस्त बना तो पाकिस्तान कमजोर होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन चीन क्या वास्तव में हमारा सगा दोस्त बन पाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई, ये बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान को लेकर अब तरफ किस तरह से रखते रहे हैं हिंदुस्तान के सामने, अब जरा वो सुनिए। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है, आपने कहा था जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है? तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। टेंट में सोए हुए इतना कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पर गर्व है, मेरे जवानों पर गर्व है। हिंदुस्तान को अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन सवाल ये, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे 129 जवानों की शहादत हो चुकी है, फिर हासिल क्या हुआ संबत? देखिए, अभी आलोक भाई बोल रहे थे देश पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में भी हमारे देश ने बांटा था, उसके बाद भी आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, या आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखनी है। मगर मेरा एक सिंपल सवाल है जो अभी मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। पहली बार जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके दहाड़ते हुए भारत ने जवाब दिया, मैं आज सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगले दिन सुबह पानी पीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और सबूत मांगे, इन्होंने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा, इससे बुरा क्या हो सकता है? हमें आर्मी पर गर्व, आर्मी है जो भी सड़क का गुंडा कहा, आर्मी के साथ हो रहे हूं। लेकिन दिक्कत ये, जब आर्मी के नाम पर कहा जाता है कि आर्मी आज तक इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि आरएसएस की प्रेरणा नहीं, कांग्रेस हमें सवाल सवाल जब खड़े होते हैं, जब आईएसआई पठानकोट में आकर जांच करती, सवाल जब खड़े होते हैं कि ईंट का पत्थर और जवाब और मुंह तोड़ और तमाम तरह की भाषणों के बाद भी शहादत 50% बढ़ जाती, सवाल जब खड़े होते हैं कि जब 50% वोट परसेंटेज जम्मू कश्मीर में गिर जाता, सवाल जब खड़े होते हैं जब 300 स्कूल जलाने में पाकिस्तान का खड़े हो गए हैं, बैठा दो सवालों का, पूरे दिए जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ शाल साड़ी आम की डिप्लोमेसी की जाती है। फिर बिरयानी आप भी खिलाते हैं, हमने बिरयानी तो राजस्थान में आप भी खिलाते हैं, लौटी की मैं सवाल लेते हैं, सवाल ले लेते हैं कुछ लोग, मोदी जी ठीक है। एक मिनट चित्रा जी, मुझे बताइए पिछले 15 साल में कौन कौन गया है? आडवाणी जी गए, अटल जी गए, मोदी जी गए, हमारे कांग्रेस से समर्थन कोई जाए नहीं, जाने वाला तो जाएगा। समझी है कि आपने कहा कि पाकिस्तान और चीन को हमने कड़ा जवाब दिया है, तो पहले जब 2014 में जीते थे उसके बाद शुरुआत में आपने पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ खूब प्रेम
मिलाया पाकिस्तान के और अहमदाबाद मिलाया। हाँ, ये चुनावों के दौरान भाषणबाजी तो बहुत होती थी पाकिस्तान और चीन को लेकर, और चुनाव जीतने के बाद ये रुख बदल गए। मतलब ये सरकार बदले बदले से क्यों नजर आते हैं? सर कट्टे की बात चली आई थी, सर कट्टे के टाइम पर इनकी एक प्रवक्ता चूड़ियां लेकर बैठे राहुल गांधी से सवाल पूछे, जैसी आज चूड़ियां चार साल में पांच अपनी चूड़िया पहना, चूड़िया पहनाने का काम भूल जाइए। ठीक है, व्यक्तिगत देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शरीफ को इन्वाइट किया, उपाय दिया कि आपको चाहिए कि शांति के साथ हमारे साथ चले नवाज शरीफ और पाकिस्तान, उस पर खड़े नहीं उतरे, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद आपके बीच में नहीं बोला है के लिए और जिस समय पर मोदी जी गए थे आप लोग सभी बात हमारे में झारखंड में आकर से घुस गए, उसका उत्तर बोले नहीं गए थे। आप हाथ उठा के चिल्ला के कहानी सुना के मुझे बताइए, आप हमारे जवाब दीजिए इनको चलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है, ये सवाल मैम अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं ये चाहता हूँ कि आतंकवाद को जन्म देने वाली कौन है पहले यही बता दीजिए। गिराने वाले खुद कह रहे हैं कि हम आतंकवादी को बचा ले, अरे आज तक आपने ही तो हिंदुस्तान की जनता को मरवाया है और आज तक मरवा रहे हैं। थैंक यू। मैं आलोक जी से एक बात कहना चाहूंगा, मैं आलोक जी से एक बात कहना चाहता हूँ सर, पाकिस्तान कश्मीर और आतंकवाद कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है इसमें बात करने के लिए, क्योंकि ये उसी की दी हुई देन है। बिरयानी की राजधानी राजनीति के बाद में कितना पाकिस्तान ने डायरेक्ट अटैक किया इंडिया के ऊपर, एक बार भी बता दीजिए, केवल आतंकवाद को छोड़ करके उसका ही मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। पहले भी हुई है, आर्मी के तमाम चीफ ने लाना भी है, लेकिन पहली बार हुआ कि हमने राजनीतिक फायदे के लिए आर्मी का। ठीक है, कुछ और सवाल जैसे कि 2014 के मैनिफेस्टो में आपका था कि सर्जिकल स्ट्राइक सीज़फ़ायर हो गया है, लेकिन अब तक आप लोग सक्सेसफुल हुए इस चीज में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी है तो आप लोग पूरा तरह अनसक्सेसफुल है। जवाब देते हैं, जवाब देता हूँ भाइयों, मैं आपको एक इंस्टेंस याद दिलाना चाहता हूँ। 2012 में याद करिए, दो सर काट दिए गए थे, आपको याद होगा, उसके बाद बहुत बड़ा डिबेट पार्लियामेंट में, एक के बदले 10 सर का बयान भी उसी समय जवाब उसके बाद पास करें, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप भाजपा का जवाब चाहती है, जनता से पूछ रहा हूँ चित्रा जी, जवाब दीजिए, आप भाजपा का जवाब चाहती है, जनता से पूछ रहा हूँ चित्रा जी, अगर चाहती है तो कांग्रेस की तरफ से जवाब दे दीजिए। चित्रा जी पहले बताइए, जवाब दीजिए, 2012 में जब सर कटे थे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, तो 2012 में ही एके एंटनी जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा पाकिस्तान ने सर नहीं काटे, पाकिस्तान के आर्मी के यूनिफॉर्म ने आतंकवादियों ने कहा है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, इस बार सर काटे तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक। और मैं आपको बताता हूँ, बुरहान हो या दुजाना, हम मारेंगे एक रोजाना। एक आतंकवादी मार नहीं पाते जी, पूरे 2010 के अंदर लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट भी जो चल रहा है, क्या उससे भी सफलता मिलेगी बीजेपी को, और इस पूरे मामले में यहाँ से
ज्यादातर सवाल कांग्रेस को लेकर खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से सवाल उठा रही है बीजेपी को, क्योंकि कई मुद्दों पर खासतौर से पाकिस्तान और चाइना के मुद्दों पर जो बातें यहां से निकलकर सामने आ रही है वो दिखा रही है कि असफलता कांग्रेस के दामन पर भी रही है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी। मैडम जी जो पूछ